Hello students, myself Mahendra Chaudhary, Chemistry Faculty, CLC Sikar. Aaj hum National Standard Examination in Junior Science 2019-20 ka solution karne ja rahe hain. Isme first part question number 1 to 20 chemistry ka portion hai jisko main aapke saath mein discuss karunga. To start karte hain question number 1 se. First question polymeric ki chemistry se hai. और फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटेरियल विल बी आइडियल फॉर रीमोल्डिंग. रीमोल्डिंग मींस किसी भी पॉलीमर की शेप और साइज को चेंज किया जा सकता हो. इस प्रोसेस को रीमोल्डिंग बोला जाता है. तो जितने भी थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स होते हैं उनको रीमोल्ड किया जा सकता है. अगर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वो मेल्ट होते हैं, और टेम्परेचर अगर डिक्रीज़ किया जाता है तो फिर से वो सोलिडिफिकेशन में कन्वर्ट होते हैं. थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के एग्जांपल्स हैं पॉलीवायलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन, टेफ्लॉन. तो इनमें से ऑप्शंस में अपने पास में दो एग्जांपल्स प्रेजेंट हैं. सेकंड ऑप्शन में पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड पॉलीथीन. तो आंसर विल बी सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड ब्लॉक केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है एन एलिमेंट वाई इज वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड. वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड, इसके लिए सेकंड इंफॉर्मेशन है वाई जो है एग्जिबिट्स वेरियस एलोट्रोपिक फॉर्म्स. तो एलोट्रोपिक फॉर्म्स में भी प्रेजेंट होता है ये एलोट्रोपिक फॉर्म्स. नेक्स्ट इसके लिए इंफॉर्मेशन है सम कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट वाई फाइंड एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री. और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में इसके कुछ कंपाउंड्स यूज होते हैं और एज ए फर्टिलाइजर. एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में भी इसका यूज है. नेक्स्ट इसका इन्फॉर्मेशन है वाई फॉर्म्स टू सॉलिड ऑक्साइड्स. सॉलिड ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है ये. एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है अगर इसके इन सॉलिड ऑक्साइड्स को वाटर में डिजोल्व किया जाता है मीन्स हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो फिर वीक एसिड्स का फॉर्मेशन होता है. ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करें अगर कि वाई जो है वाइट ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड है तो फर्स्ट सेकंड ऑप्शन तो सीधे सीधे कैंसिल हो जाता है. नाइट्रोजन गैसियस फॉर्म में मिलता है. देन सल्फर फॉस्फोरस एंड कार्बन एलोट्रोपिक फॉर्म होती हैं. सॉलिड एलोट्रोप्स भी बनते हैं लेकिन ट्रांसल्यूसेंट सॉलिड जो है वो फॉस्फोरस होता है. वाइट फॉस्फोरस ट्रांसल्यूसेंट वाइट वैक्सी सॉलिड होता है. तो यहाँ से फॉस्फोरस तो आंसर जा रहा है. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करें एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में सल्फर यूज़ नहीं हो रहा, कार्बन यूज़ नहीं हो रहा. फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं वो एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज में एज ए फर्टिलाइजर यूज़ होते हैं. एंड सॉलिड ऑक्साइड्स की बात करें तो उसके बेसिस पे भी सल्फर के ऑक्साइड गैसियस होते हैं SO2 SO3. नाइट्रोजन के सभी ऑक्साइड गैसियस हैं, कार्बन के ऑक्साइड भी गैसियस हैं, बट फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स P4O6 एंड P4O10 बहुत सारे सॉलिड्स. और इनका अगर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो P4O6 से एसिड का फॉर्मेशन होता है S3PO3 एंड P4O10 S3PO4 एंड बहुत आर वीक एसिड. सो आंसर विल बी फॉस्फोरस. थर्ड आंसर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर थर्ड हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन एनी टू कार्बन एटम्स इन फुलरेन. अगेन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन से क्वेश्चन है. कार्बन के तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन. और इन्हीं तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स में ईच कार्बन बॉन्डेड विद अदर कार्बन एटम्स विद सिग्मा बॉन्ड्स. तीनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स में से डायमंड को छोड़ के बाकी जो एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं ग्रेफाइट एंड फुलरिन दोनों में ईच कार्बन हर कार्बन एटम अदर थ्री कार्बन एटम्स के साथ में सिग्मा बॉन्ड से कनेक्टेड होता है. तो टोटल नंबर ऑफ
sigma bonds around an carbon atom will be 3, but sigma bonds in between two carbon atoms is 1. So answer will be first 1. Physical chemistry se question hai ye. 4 gram of mixture of calcium carbonate and sand is treated with excess of HCl and 0.88 gram of carbon dioxide is produced. What is the percentage of calcium carbonate in original mixture? तो परसेंटेज प्योरिटी से ये क्वेश्चन है, परसेंटेज कंपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है. पहले रिएक्शंस देखते हैं. कैल्शियम कार्बोनेट CaCl2 ट्रीटेड विद HCl इन प्रेजेंस ऑफ सैंड हीट किया है. HCl के साथ में प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. Treated with HCl, product will be CaCl2 plus H2O and CO2. CO2 gas form में evolve होगा. अगर इस reaction को balance करें तो 1, 2 and 1. Reaction stoichiometry मिलेगा 1:2:1:1:1. रिएक्शन स्टोइकोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 mole कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करेगा 1 mole CO2. अगर कैल्शियम कार्बोनेट 100% प्योर हुआ तो 1 mole कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोड्यूस होगा 1 mole CO2. अगर गिवन इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम इस स्टोइकोमेट्री से बात कर सकते हैं. मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू मोल ऑफ CO2. और गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ग्राम अमाउंट दे रखा है. CO2 जो प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन में, ग्राम अमाउंट 0.880 और मोल कैलकुलेट करने के लिए ग्राम अमाउंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. CO2 का मॉलिक्यूलर वेट 44. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट विल बी 0.02 mole. यहाँ से अगर इसको ग्राम अमाउंट में कन्वर्ट करें तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स 0.02 इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 2 ग्राम. तो अगर कैल्शियम कार्बोनेट का सैंपल 100% प्योर होगा तो 2 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोड्यूस होगा 0.880 ग्राम CO2. परसेंटेज प्योरिटी के लिए फॉर्मूला है. परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज जो कि है अपने पास में 2 ग्राम एंड गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल जो कि दिया है 4 ग्राम इनटू 100 means 2 divided by 4 into 100. So percentage purity ho gaya 50%. So answer will be second. Next question. Gamaxin insecticide powder is prepared by the reaction given in the adjacent box. If 78 gram of benzene when reacted with 106.5 gram of chlorine, how much gamaxin would be formed? तो गिवन रिएक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्शन स्टोइकोमेट्री बनेगा 1:3:1. दैट मीन्स 3 moles ऑफ Cl2 गिव्स 1 mole ऑफ गैमेक्सिन. अगर 3 mole Cl2 हुआ तो 1 mole गैमेक्सिन प्रोड्यूस होगा. रिएक्शन के लिए जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग Cl2 का अमाउंट जो दिया है वो है 106.5 ग्राम. अगर इसका मोलर कंसंट्रेशन चेक करें तो ग्राम अमाउंट मोल ऑफ Cl2 ग्राम अमाउंट 106.5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट. Cl2 का मॉलिक्यूलर वेट 71 और इसके अकॉर्डिंग 3/2 moles of Cl2.
Cl2 के मॉल है 3/2। अगर 3 मॉल Cl2 से 1 मॉल गैमेक्सिन प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर 3/2 से प्रोड्यूस होगा 1/2 मॉल ऑफ गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन की मॉल्स मिल गए हमें 1/2। इन्हें ग्राम अमाउंट में कन्वर्ट करना हो तो मॉल ऑफ गैमेक्सिन इनटू देयर मॉलिकुलर वेट। गैमेक्सिन का फॉर्मूला जो है C6H6Cl6। इसके अकॉर्डिंग अगर इसका मॉलिकुलर वेट चेक करते हैं तो आता है 291। 1/2 मॉल्स इनटू देयर मॉलिकुलर वेट, तो 1/2 इनटू 291 रिजल्ट विल बी 145.5 ग्राम। सो आंसर विल बी थर्ड 145.5 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 एक एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है ए स्टूडेंट वाज स्टडिंग रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद डाइल्यूट NaOH। NaOH के साथ में मेटल्स का रिएक्शन स्टडी किया जा रहा है एट रूम टेम्परेचर। द स्टूडेंट टुक डाइल्यूट NaOH इन 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स एंड एडेड कॉपर पाउडर टू टेस्ट ट्यूब ए, जिंक डस्ट टू टेस्ट ट्यूब बी, एल्यूमिनियम पाउडर टू टेस्ट ट्यूब सी एंड आयरन पाउडर टू टेस्ट ट्यूब डी एंड ऑब्जर्व एफ्लुएंसेस इन। तो 4 टेस्ट ट्यूब के साथ में NaOH सैंपल लिया गया है। NaOH डाइल्यूट NaOH टेकन इन 4 टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी एंड डी। जो 1st टेस्ट ट्यूब है ए, उसमें ऐड किया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेस्ट ट्यूब ए में ऐड किया गया है कॉपर पाउडर। देन टेस्ट ट्यूब बी में ऐड किया गया है जिंक डस्ट को। देन टेस्ट ट्यूब सी में एल्यूमिनियम पाउडर एंड टेस्ट ट्यूब डी आयरन को ऐड किया गया है। और अब इनमें से पूछा गया है कि किस टेस्ट ट्यूब में अपने को एफ्लुएंसेस मिलेगा, मीन्स गैस इवॉल्व होगा, बबल्स मिलेंगे। तो अगर NaOH का रिएक्शन चेक करें इनके साथ में तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग कॉपर की रिएक्टिविटी कम होता है और ये एल्कलाइन नेचर का भी होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, बेसिक नेचर का है, तो बेस के साथ में बेस का रिएक्शन नहीं देगा। यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। सिमिलरली आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट है, अगेन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी बेसिक नेचर से बिहेव करेगा। NaOH भी बेसिक, ये भी इसके साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो किसी भी तरह का गैस इवॉल्व नहीं होगा। बट जिंक एंड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक नेचर के हैं, सो कैन बी रिएक्ट विद NaOH। जिंक का रिएक्शन अगर NaOH के साथ में होता है तो सोडियम जिंकेट का फॉर्मेशन होता है Na2ZnO2 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, मीन्स यहाँ पर बबल्स मिलेंगे, एफ्लुएंस मिलेगा। टेस्ट ट्यूब बी में तो कन्फर्म है। एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक नेचर, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करके ये सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन करता है NaAlO2 एंड साथ में हाइड्रोजन गैस लिब्रेट होता है। दैट मीन्स टेस्ट ट्यूब बी एंड सी में गैस इवॉल्व होगा, एफ्लुएंसेस मिलेगा, बबल्स मिलेंगे। सो आंसर विल बी टेस्ट ट्यूब बी एंड सी, दैट मीन्स 2nd आंसर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन। ए मैजिशियन परफॉर्म्ड फॉलोइंग एक्ट, ही डिप्ड RS50 नॉट इन 50% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल। एक 50% सॉल्यूशन लिया है एल्कोहल का, एक्वस सॉल्यूशन है, 50% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल और इसमें एक मैजिशियन जो है वो ₹50 का नोट डिप कर रहा है। और उसके बाद में पूछा गया है कि डिप्ड RS50 नॉट इन 50% सॉल्यूशन ऑफ एल्कोहल इन वाटर एंड हेल्ड इट ऑन द बर्निंग फ्लेम। पहले इस सॉल्यूशन में डिप करता है और उसके बाद में इसको बर्निंग फ्लेम के ऊपर रखा जाता है।
बर्निंग फ्लेम के ऊपर लेके आता है, बर्निंग फ्लेम, बट द नॉट डिड नॉट बर्न. जब ऐसा किया जाता है, बर्निंग फ्लेम के पास में लेकर आते हैं, तो ये नॉट जल नहीं रहा है, बर्न नहीं हो रहा है. द रीजन बिहाइंड दिस, तो इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है. तो जैसे ही इसे एक्वस सॉल्यूशन, एल्कोहल के एक्वस सॉल्यूशन में इस नॉट को डिप किया जाता है, ये नॉट जो है इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्व करेगा और इसकी सरफेस पर एल्कोहल भी एब्जॉर्व होगा. फिर उसके बाद में इस गीले नॉट को, वेट नॉट को लेके जाएंगे अपन बर्निंग फ्लेम के पास में. तो एल्कोहल जो है वो हाईली फ्लेमेबल होता है. तो जैसे बर्निंग फ्लेम के साथ लेके जाएंगे, तो एल्कोहल से भीगे हुए इस नोट को बर्निंग फ्लेम से एल्कोहल फायर कैच करेगा, एल्कोहल जलेगा, उससे हीट प्रोड्यूस होगा और उस हीट से ये नोट जल सकता था, बट नोट के अंदर वाटर एब्जॉर्व है, तो ये हीट उस वाटर को वेपराइज करने में यूज हो जाता है, जिसकी वजह से नोट को जलाने के लिए इग्निशन टेम्परेचर ही जनरेट नहीं हो पाता. इस वजह से ये नोट जल नहीं पाता है. तो आंसर विल बी थर्ड, द RS-50 नोट फेल्ड टू रीच इग्निशन टेम्परेचर, थर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 8 इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, एक सब्सटेंस एक्स के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है. क्वेश्चन बोल रहा है, सब्सटेंस एक्स इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच मेल्ट्स आफ्टर 10 seconds ऑन बर्नर फ्लेम. इट इज सोल्यूबल इन ए वाटर. द फर्स्ट इंफॉर्मेशन है, इट इज सोल्यूबल इन ए वाटर. वाटर सोल्यूबल है, ये वाटर में सोल्यूबल है. एंड इन सोल्यूबल इन CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ये इन सोल्यूबल है, इन सोल्यूबल. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, इट इज ए पुअर कंडक्टर. थर्ड इंफॉर्मेशन है ये कि ये पुअर कंडक्टर, कंडक्टर भी बोल रहे हैं, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट. मोल्टन फेज में पुअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, एज वेल एज इन द फॉर्म ऑफ एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन फेज में भी ये पुअर कंडक्टर है. हैंस वी कंक्लूड दैट सब्सटेंस एक्स इज, तो एक्स सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछा गया है. फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बात करें, तो ये सब्सटेंस H2O और CCl4 के साथ सॉल्युबिलिटी के लिए इन्फॉर्मेशन गिवन है. H2O में ये डिजोल्व होता है, CCl4 में डिजोल्व नहीं होता. अगर पोलैरिटी की बात करें, H2O जो है एक पोलर सॉल्वेंट है और CCl4 नॉन पोलर सॉल्वेंट है. अकॉर्डिंग टू सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट, लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर स्पीसीज पोलर में डिजोल्व होता है. तो अगर H2O में सोल्यूबल है, दैट मीन्स एक्स कंपाउंड एक्स विल बी पोलर. एंड पोलर है तो दो चांस बनते हैं, मे बी आयोनिक कंपाउंड और मे बी पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. या तो ये आयोनिक कंपाउंड हो सकता है या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है इसका कंडक्टिविटी से, कि ये पुअर कंडक्टर है इन ए मोल्टन फेज एंड एक्वस सोल्यूशन. आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम जानते हैं कि ये सॉलिड फेज में तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट मोल्टन फेज एंड एक्वस सॉल्यूशन में ये गुड कंडक्टर होते हैं, नॉट बैड कंडक्टर. बट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो सॉलिड फेज में इंसुलेटर हैं, बट मोल्टन एंड एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइजेशन की वजह से, पार्शियल आयनाइजेशन की वजह से, पार्शियल पोलैरिटी की वजह से उनमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी आती है. मीन्स पुअर कंडक्टर की तरह बिहेव कौन करेगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड. सो आंसर विल बी अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, थर्ड. क्वेश्चन नंबर 9, इन ए बीकर 50 ml ऑफ नॉर्मल HCl सॉल्यूशन वॉज टेकन एंड अमोनिया गैस वॉज पास्ड थ्रू इट फॉर सम टाइम्स. द कंटेंट ऑफ द बीकर वर देन टाइट्रेटेड विच रिक्वायर्ड 60 ml ऑफ सेमी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. हाउ मच अमोनिया वाज पास थ्रू द बीकर. ये एक टाइट्रेशन से बेस्ड, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, न्यूट्रलाइजेशन की टाइट्रेशन से बेस्ड क्वेश्चन है. अगर रिएक्शंस इंफॉर्मेशन को फॉलो करें हम, तो फर्स्ट HCl 50 ml नॉर्मल HCl मीन्स 1 and 50 ml कंसंट्रेशन के साथ में HCl
लिया गया है जिसमें से कुछ टाइम के लिए अमोनिया गैस पास किया गया है. अमोनिया गैस वाज पास थ्रू इट फॉर सम टाइम्स देन कोई भी एक्स स्पीसीज बनी होगी. अमोनिया पास कर रहा है HCl सॉल्यूशन में से तो एक एक्स स्पीसीज प्रोड्यूस हुआ होगा. देन इस एक्स स्पीसीज को अगेन टाइट्रेट किया गया है 60 ml ऑफ सेमी नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन. सेमी नॉर्मल मींस n बाई 2 60 ml और NaOH सॉल्यूशन के साथ में इसको टाइट्रेट किया गया है. तो फिर अमोनिया का कंसंट्रेशन पूछा गया है. अमोनिया के बारे में इंफॉर्मेशन है तो जितने भी टाइट्रेशन की जो रिएक्शंस हैं उनमें हम इक्विलेंस का रूल फॉलो करते हैं. नंबर ऑफ या फिर इक्विलेंस ऑफ एसिड इज इक्वल्स टू इक्विलेंस ऑफ बेस. तो यहाँ पे मिली इक्विलेंट दे रखे हैं तो इसके लिए एक कॉमन रिएक्शन कॉमन इक्वेशन लिख सकते हैं. मिली इक्विलेंट ऑफ एसिड शुड बी इक्वल टू मिली इक्विलेंट ऑफ बेस. यहाँ पर HCl जो है वो एसिड है, अमोनिया बेस एंड NaOH ऑल्सो बेस. तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं ये बात लिख सकता हूँ कि मिली इक्विलेंस ऑफ HCl इज इक्वल्स टू मिली इक्विलेंस ऑफ अमोनिया एंड NaOH. टोटल मिली इक्विलेंस ऑफ अमोनिया प्लस मिली इक्विलेंस ऑफ NaOH. मिली इक्विलेंस HCl 1:50 इज इक्वल्स टू मिली इक्विलेंस ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करना है प्लस मिली इक्विलेंस ऑफ NaOH 1:2:60. अगर इसको सॉल्व करते हैं तो फिर रिजल्ट मिलता है मिली इक्विलेंस ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू 20. मिली इक्विलेंट मिल चुके हैं अमोनिया के और ऑप्शन में अमोनिया का ग्राम अमाउंट है. तो इक्विलेंस मिली इक्विलेंस से हम अगर ग्राम अमाउंट पे जाएं तो मिली इक्विलेंस इनटू इक्विलेंट वेट ऑफ अमोनिया. तो मिली इक्विलेंस को मैं इक्विलेंट में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो ग्राम अमाउंट चेक करने के लिए मिली इक्विलेंट 20 मिला है तो इक्विलेंट में कन्वर्ट कराया 10⁻³ इनटू इक्विलेंट वेट ऑफ अमोनिया 70. तो आंसर विल बी अगर इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्ट मिलता है 0.34 ग्राम. आंसर विल बी सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन 10th डेटा बेस्ड क्वेश्चन है. विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल विद रेफरेंस टू दियर मेल्टिंग पॉइंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो गिवन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग फर्स्ट मर्करी, मर्करी के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है 234 केल्विन. नेक्स्ट गैलियम के लिए मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू है 303 केल्विन. लिथियम के लिए मेल्टिंग पॉइंट होता है 454 केल्विन एंड कैल्शियम का मेल्टिंग पॉइंट डेटा है 1124 केल्विन. अगर डेटा अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन इजीली होगा. तो इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर सेट करें इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट मर्करी एंड हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कैल्शियम. तो फर्स्ट मर्करी देन गैलियम देन लिथियम एंड कैल्शियम. आंसर विल बी फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 11 दो कंपाउंड्स के फॉर्मूले गिवन हैं और एक थर्ड कंपाउंड का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है. वैलेंसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो जाएगा. अगर फर्स्ट सोडियम टंगस्टेट हैज़ फॉर्मूला, सोडियम टंगस्टेट का फॉर्मूला गिवन है Na2WO4. अगर इसको आयनिक फॉर्म में आयनाइज करते हैं तो 2Na प्लस प्लस टंगस्टेट 2 माइनस स्पीसीज बनती है. सेकंड जो मॉलिकुलर फॉर्मूला गिवन है लेड फॉस्फेट हैज़ फॉर्मूला Pb3PO4 होल ट्वाइस. अगर इसको भी आयनाइज करके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं देन Pb
2 प्लस एंड फॉस्फेट PO4 3 माइनस स्पीसीज बनता है। अब अपने से फॉर्मूला पूछा जो गया है वो है लेड टंगस्टेट, मीन्स लेड आयन के साथ में टंगस्टेट आयन को कंबाइन करना है। लेड आयन का वैलेंसी 2, टंगस्टेट का भी वैलेंसी 2, तो 1:1 में फॉर्मूला बनेगा PbWO4। तो आंसर विल बी फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्टली बैलेंस्ड। रिएक्शन गिवन है, अमोनिया का रिएक्शन है ऑक्सीजन के साथ में O2 NO प्लस H2O। इसकी बैलेंसिंग करें तो बैलेंसिंग फैक्टर्स 4, 5, 4 एंड 6। तो रिएक्शन स्टोइकियोमेट्री बन गया 4:5:4:6। अब इस रिएक्शन में जो रेशियो पूछा है वो है रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बिहेव कर रहा है एंड अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। इस रिएक्शन को चेक करें तो इस रिएक्शन के प्रोडक्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट मीन्स अमोनिया बिहेव्स एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो रिड्यूसिंग एजेंट है उसका स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर है 4 एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर है 5। तो रेशियो ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी 4:5। दैट मीन्स आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो स्ट्रक्चरल विद CO2। CO2 के साथ में आइसो स्ट्रक्चरल सिमिलर स्ट्रक्चरल कौन है? तो CO2 का स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होता है, C(O)(O) लीनियर स्ट्रक्चर। अगर ऑप्शंस की बात करें तो आइसो स्ट्रक्चरल मीन्स नंबर ऑफ एटम्स सेम हो एंड स्ट्रक्चर सिमिलर हो, आइसो स्ट्रक्चरल बोलेंगे। फर्स्ट NO2 में नंबर ऑफ एटम्स 3 हैं एंड स्ट्रक्चर की बात करें तो NO2 का स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर होता है, तो बेंट स्ट्रक्चर है और आपको कंपेयर करना है CO2 के साथ में जो कि लीनियर है, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। देन NO नंबर ऑफ एटम्स इक्वल नहीं है। नेक्स्ट N2O4 का स्ट्रक्चर भी प्लेनर पायरामिडल स्ट्रक्चर होता है N2O4, तो ये भी लीनियर स्ट्रक्चर नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स भी इक्वल नहीं है, तो ये भी कैंसिल। अगर N2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम तो N ट्रिपल बॉन्ड N O लीनियर स्ट्रक्चर, आंसर विल बी 4th N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, द सॉल्यूशंस आर। सॉल्यूशन गिवन है, इनकी मोलर कंसंट्रेशन भी गिवन है और हमें हाइड्रोनियम आयन मींस H3O प्लस, या बोल सकते हैं सीधे बोलें तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमें फाइंड आउट करना है, उसका ऑर्डर बताना है। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें HCl, सेकेंड H2SO4, थर्ड NH4OH एंड फोर्थ ऑप्शन में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन चेक करने के लिए जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो मोलर कंसंट्रेशन है, हम नॉर्मेलिटी के बिहाफ पर आयन्स की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में जो रिलेशन है वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। तो अगर जिस भी कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर ज़्यादा होगा उसकी मोलर कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगी, मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा तो हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा। सो फर्स्ट के लिए अगर बात करें तो HCl के लिए वैलेंसी फैक्टर होता है 1, H2SO4 के लिए वैलेंसी फैक्टर
टू एन एच फोर ओ एच के लिए वैलेंसी फैक्टर वन एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए वैलेंसी फैक्टर होगा टू. सो नॉर्मेलिटी के लिए वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलेरिटी. तो जिसके लिए मोलेरिटी और वैलेंसी फैक्टर मैक्सिमम उसके लिए कंसंट्रेशन भी मैक्सिमम. तो फर्स्ट एंड सेकंड पी एंड क्यू ऑप्शन में मोलेरिटी जो है आर एंड एस से ज़्यादा है एंड क्यू ऑप्शन में मोलेरिटी के साथ साथ वैलेंसी फैक्टर भी हायर है. तो क्यू के लिए कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहेगा. देन पी और रिमेनिंग में से पी के लिए मोलर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पी का. देन आर और एस में से मोलर कंसंट्रेशन इक्वल है बट वैलेंसी फैक्टर डिफरेंट है तो वैलेंसी फैक्टर जिसके लिए ज़्यादा होगा उसके लिए कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होगा. तो वैलेंसी फैक्टर एस के लिए ज़्यादा है तो क्यू देन एस एंड आर. सो आंसर विल बी क्यू पी एस आर ऑप्शन सेकेंड राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है. ए जिंक रोड वॉज डिप्ड इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1 mm कॉपर क्लोराइड सॉल्यूशन आफ्टर सर्टेन टाइम. द मोलेरिटी ऑफ कॉपर 2+ आयन इन द सॉल्यूशन वॉज फाउंड टू बी 0.8 mm. मीन्स 1 मोलर कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गया 0.8 तक. इफ़ द वेट ऑफ जिंक रोड इज 20 ग्राम देन द मोलेरिटी ऑफ क्लोराइड आयंस. क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक सॉल्यूशन है कॉपर क्लोराइड का सॉल्यूशन गिवन है CuCl2 सॉल्यूशन गिवन है और इसका कंसंट्रेशन गिवन है 1 mm और अब इसमें एक जिंक रोड डिप किया गया है और इसका वॉल्यूम गिवन है आपको 100 सेंटीमीटर क्यूब. जिंक रोड डिप किया और फिर बोला जा रहा है कि आफ्टर सम टाइम द मोलेरिटी ऑफ कॉपर क्लोराइड फाउंड टू बी 0.8 यानी कॉपर क्लोराइड का जो मोलेरिटी है कॉपर 2+ आयन का जो मोलेरिटी है वो डिक्रीज हो गया है 0.8 तक. और आपसे पूछा है क्लोराइड आयन की मोलेरिटी पे क्या इफेक्ट होगा. तो अगर इसको रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो जिंक प्लस कॉपर क्लोराइड प्रोडक्ट विल बी जिंक क्लोराइड प्लस कॉपर. इस रिएक्शन में जिंक का रिएक्टिविटी कॉपर से ज़्यादा होने की वजह से जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. दैट मीन्स कॉपर 2+ आयन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे कॉपर की फॉर्म में डिपोजिशन होगा और जिंक रोड से जिंक 2+ आयन का फॉर्मेशन होगा. दैट मीन्स कॉपर 2+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा जिंक 2+ आयन की कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा बट क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. तो क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में पहले जो थी उसके बाद भी वही रहेगी. तो इस सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन क्या है, तो कॉपर क्लोराइड जो था सॉल्यूशन कॉपर क्लोराइड 1 mm सॉल्यूशन ये जैसे एक्वस सॉल्यूशन बनेगा आयनाइज होगा कॉपर 2+ प्लस 2Cl माइनस. रिएक्शन स्टोइकोमेट्री 1, 1, 2 के अकॉर्डिंग आयनाइजेशन होगा. तो 1 mm कंसंट्रेशन से कॉपर 2+ आयन का कंसंट्रेशन बनेगा 1 mm एंड क्लोराइड का कंसंट्रेशन बनेगा 2 mm. दैट मीन्स इनिशियली जो सॉल्यूशन था उसमें क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन है 2 mm और क्लोराइड आयन के कंसंट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा इस रिएक्शन की वजह से, इसलिए रिएक्शन प्रोसीड होने के बाद भी क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन 2 mm ही रहेगा. दैट मीन्स आंसर विल बी फर्स्ट 2 mm. क्वेश्चन नंबर 16 इंडिकेटर से बेस्ड क्वेश्चन है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से क्वेश्चन है, पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. अगर आपने याद किया होगा तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, अदरवाइज नहीं हो पाएगा. क्वेश्चन है व्हेन 4 डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ 1. फर्स्ट जो दिया है विनेगर, विनेगर होगा एसिटिक एसिड CH3COH. सेकेंड जो डाइल्यूट सॉल्यूशन गिवन है कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट होता है सोडियम क्लोराइड NaCl. थर्ड सॉल्यूशन कास्टिक सोडा,
कास्टिक सोडा कॉमन नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, एंड फोर्थ सॉल्यूशन जो गिवन है वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा कॉमन नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए, NaSCO3 के लिए। अगर इनके नेचर की बात करें, विनेगर मींस एसिटिक एसिड, एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन है। NaCl स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ सॉल्ट है, तो ये न्यूट्रल नेचर का होगा, न्यूट्रल। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, और NaSCO3 बाइकार्बोनेट जो है वो वीक बेस है। अब अगर एक कॉमन लिटमस पेपर की तरह अगर बात करें, तो एसिड जो है वो रेड कलर देगा, बेस जो है वो ब्लू कलर देगा, तो एक आइडिया लग सकता है। बाकी इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एसिड जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर पर रेड कलर देता है, सॉल्ट जो है न्यूट्रल सॉल्ट जो है NaCl वो ग्रीन कलर देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वायलेट कलर देता है यूनिवर्सल इंडिकेटर पे, एंड फोर्थ सोडियम बाइकार्बोनेट ब्लू कलर देगा यूनिवर्सल इंडिकेटर पे। सो आंसर विल बी थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17। इन 1 लीटर ऑफ प्योर वाटर 44.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिजोल्व, द नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज। 1 लीटर वाटर में 44.4 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड को डिजोल्व किया गया है, और फिर उसी सॉल्यूशन के 1 ml में, 1 ml में नंबर ऑफ आयंस का कंसंट्रेशन पूछा गया है। तो अगर रिएक्शन देखें, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में अगर नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने हैं, तो इसका आयनाइजेशन करके देखना होगा कि कितने आयंस मिल सकते हैं। तो कैल्शियम आयनाइज होगा कैल्शियम 2+ +2Cl- में, यानी अगर इसका कंसंट्रेशन 1 मोल, अगर इसका 1 मोल लिया जाए, तो यहाँ से 1 मोल + 2 मोल टोटल 3 मोल आयंस प्रोड्यूस होंगे। 1 लीटर में डिजोल्व किया गया है 44.4 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड, तो ग्राम अमाउंट गिवन है, तो उससे हम इसका मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो मोल कैलकुलेट करने के लिए मोल इज इक्वल्स टू ग्राम अमाउंट 44.4 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, और मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड है 111। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें, तो नंबर ऑफ मोल्स कैल्शियम क्लोराइड के आएंगे 0.4 मोल्स। कैल्शियम क्लोराइड का 1 मोल हो, तो नंबर ऑफ आयंस का जो मोल मिलेगा वो 3 मोल मिलेगा। तो अगर ये 0.4 हुआ, तो इनटू 0.4 के अकॉर्डिंग 0.4 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड से मोल ऑफ आयंस जो मिलेगा वो 1.2 मोल टोटल आयंस मिलेंगे, आयंस का मोल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस मिल चुका है, हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयंस। तो नंबर ऑफ आयंस कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये नंबर ऑफ मोल्स जो मिल रहा है अपने को, वो 1 लीटर की बात कर रहे हैं अभी तक हम, तो 1 लीटर में नंबर ऑफ मोल्स मिला है 1.2। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ आयंस इन 1 लीटर कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³। ये नंबर ऑफ मोल्स मिलेगा हमें 1 लीटर में, और हमें कैलकुलेट करना है किस में, 1 ml में। सो नंबर ऑफ आयंस इन 1 ml कैल्शियम क्लोराइड, तो डिवाइडेड बाई 1000, सो 1.2 × 10⁻³, 10⁻³ से डिवाइड किया, इंटू में आया तो 10⁻³ इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 × 10⁻²³। और अगर इसको सॉल्व करते हैं, तो रिजल्ट मिलेगा अपने को अराउंड 7.2
2 × 3 × 10⁻²⁰. तो 1 ml कैल्शियम क्लोराइड में नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आयंस जो मिलेंगे वो 7.23 × 10⁻²⁰, दैट मीन्स आंसर विल बी सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन. आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हो. तो जो गिवन स्पीसीज हैं उनके अकॉर्डिंग अपन बात करें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, जो स्पीसीज गिवन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट किया जाता है. तो N3- की बात करें तो नाइट्रोजन के पास में न्यूट्रल फॉर्म में 7 इलेक्ट्रॉन है, 3 नेगेटिव चार्ज भी है, 3 नेगेटिव चार्ज तो 7 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10. नेक्स्ट Mg2+, मैग्नीशियम एलिमेंट की बात करें तो मैग्नीशियम एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 12 − 2 = 10 इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड ऑप्शन है पोटेशियम, पोटेशियम प्लस, पोटेशियम एटम में 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट 1 पॉजिटिव चार्ज में, दैट मीन्स 19 − 1 = 18 इलेक्ट्रॉन. एंड नेक्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम 2+, कैल्शियम 2+ की बात करें तो कैल्शियम न्यूट्रल फॉर्म में 20 इलेक्ट्रॉन्स, 2 + 20 − 2 = 18 इलेक्ट्रॉन. हमें इनको कंपेयर करना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का जो कंपैरिजन है वो नियोन के साथ किया है और नियोन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10. तो इनमें से जिनके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नियोन के साथ में क्या बनेगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक. तो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम आयंस जो गिवन है वहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, दैट मीन्स N3- आयन एंड मैग्नीशियम 2+ आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नियोन. सो आंसर नाइट्रोजन 3- एंड मैग्नीशियम 2+ फर्स्ट एंड सेकेंड, आंसर विल बी थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज विल हैव इक्वल वॉल्यूम एट STP इफ द वेट ऑफ गैसेज इज 14 ग्राम. फॉर गिवन अमाउंट ऑफ गैसेज अगर STP पर वॉल्यूम इक्वल करना है तो उनका मॉलिकुलर वेट सेम होना चाहिए. तो जिन गैसेज के लिए मॉलिकुलर वेट सेम होगा उनके लिए गिवन अमाउंट 14 ग्राम पर STP पर वॉल्यूम भी इक्वल होगा. तो अगर फर्स्ट स्पीसीज की बात करें N2O का मॉलिकुलर वेट 28 + 16, मॉलिकुलर वेट हो गया 44. देन NO2 के लिए ऑक्सीजन 32 + 14, मॉलिकुलर वेट 46. देन थर्ड ऑप्शन नाइट्रोजन के लिए मॉलिकुलर वेट 28. एंड फोर्थ ऑप्शन कार्बन मोनोऑक्साइड 12 + 16 = 28. तो मॉलिकुलर वेट इन दोनों स्पीसीज का सेम है तो 14 ग्राम अमाउंट पर इनका नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा और जिन गैसेज के नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होते हैं उनका STP पर वॉल्यूम भी इक्वल होता है, दैट मीन्स इक्वल वॉल्यूम कौन रखेगा यहाँ पर, N2 और CO. आंसर थर्ड एंड फोर्थ, दैट मीन्स आंसर है फोर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, अगेन ब्लॉक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है, नेचर ऑफ कंपाउंड से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आयोनिक. चार स्पीसीज गिवन है, AlCl3, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड एंड लिथियम क्लोराइड LiCl. इन स्पीसीज के बारे में बात करें तो एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो कोवेलेंट नेचर का है, कोवेलेंट. कैल्शियम क्लोराइड आयोनिक नेचर का कंपाउंड है, आयोनिक. लिथियम के हैलाइड्स प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट नेचर के होते हैं और लिथियम और मैग्नीशियम जो है इन दोनों में डायगोनल रिलेशनशिप भी है, यानी इनके कंपाउंड्स की नेचर भी ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही होता है. तो लिथियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड्स बोथ आर कोवेलेंट इन नेचर. मैग्नीशियम क्लोराइड भी कोवेलेंट नेचर का है एंड लिथियम क्लोराइड भी कोवेलेंट नेचर का.
हमें पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है आर नॉट आयोनिक, यानी इनमें से आयनिक कौन सा नहीं है, तो आयनिक ओनली एक स्पीसीज है कैल्शियम क्लोराइड, रिमेनिंग थ्री स्पीसीज आर कोवेलेंट इन नेचर, दैट मीन्स आंसर है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ, तीन ऑप्शन जो हैं वो कोवेलेंट हैं। और अगर ऑप्शंस के बेसिस पर अपन चेक करें तो जो कॉम्बिनेशन बनाया गया है उसमें सेकेंड फर्स्ट एंड फोर्थ, दैट मीन्स फर्स्ट एंड फोर्थ ये आंसर भी सेट हो रहा है, मीन्स फर्स्ट वाला आंसर भी है, एंड फिर सेकेंड ऑप्शन में फर्स्ट सेकेंड है नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन में सेकेंड एंड थर्ड है सेकेंड को कंसिडर कर रहा है ये भी नहीं होगा, बट फोर्थ ऑप्शन अगेन थर्ड एंड फोर्थ, तो ये ऑप्शन भी आंसर में जाएगा, दैट मीन्स आंसर विल बी फर्स्ट एंड फोर बोथ। थैंक यू एंड गुड लक स्टूडेंट्स।